to go to Jannah, four criteria required: Iman, righteous deed, exhorting people to truth dawah, and exhorting people to patient perseverance. So doing shirk is even haram in Christianity. And in the Quran, Allah says in Surah Maida, chapter number 5, verse number 72. Let's see what is the verdict given by Jesus Christ, peace be upon him. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, अल्लाह अच्छे और नेक गैर मुस्लिमों के साथ आखिरत में क्या सलूक करेगा, क्या वो उन्हें दाखिले जन्नत करेगा या जहन्नुम में? ये वो सवाल है जो हमसे अक्सर लोग करते हैं। कुछ लोग अपना इल्म झाड़ते हैं और कहते हैं कि अल्लाह उन्हें जन्नत में दाखिल करेगा क्योंकि अल्लाह 70 माओं से ज्यादा रहम करने वाला है। कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह ने जन्नत तो मुसलमानों के लिए बनाई है, जन्नत में सिर्फ और सिर्फ हम मुसलमान ही जाएंगे और तमाम गैर मुस्लिम दाखिले जहन्नुम होंगे। अब इनमें से सही कौन है और कौन गलत है? अगर इसको कुरान हदीस की रोशनी में देखें तो कुरान पाक कहता है कि अहले किताब और मुशरिकीन में से जिन लोगों ने कुफर किया है वो यकीनन दोजख की आग में होंगे और हमेशा इसी में रहेंगे, यही लोग बदतरीन है। एक और जगह इरशाद फरमाया गया कि इस दिन कितने ही चेहरे खौफ जदा होंगे, सख्त मेहनत करने वाले थके मांदे होंगे लेकिन दहकती हुई आग में दाखिल होंगे। यानी यहाँ पर वाजे है कि जन्नत में गैर मुस्लिम दाखिल नहीं हो सकते। इसी तरह से बहुत से आलिम कहते हैं कि अगर अहले शिर्क में से कोई शख्स नेकी करे तो उसे दुनिया में ही अजर दे दिया जाता है, मसलन सिला रहमी करे, सवाली को दे या किसी लाचार पर तरस खाए या इसी तरह के दीगर अच्छे काम करे, अल्लाह ताला उसके अमल का सवाब दुनिया में ही दे देता है और इस अमल के बदले में रिस्क में फराखी डाल देता है, उसकी आंखों को नम नहीं होने देता और दुनियावी तकलीफ दूर कर देता है जबकि आखिरत में उसके लिए कुछ नहीं है। इस बारे में मजीद भी जानते हैं और डॉक्टर जाकिर नायक की जबानी सुनते हैं कि उनकी राय क्या है। जरीना नामी एक लड़की ने डॉक्टर जाकिर नायक के लेक्चर के बाद सवाल और जवाब के सेशन में माइक पर आकर पूछा कि बहुत से गैर मुस्लिम ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए, हो सकता है कि वो जन्नत में नहीं जाएं लेकिन जहन्नुम में जाएंगे, कैसे हो सकता है कि वो जन्नत में नहीं बल्कि जहन्नुम में जाएंगे जैसे मदर टेरेसा, उनकी अच्छाइयों और नेकियों का क्या होगा? नाज़रीन, आप इस लड़की का सवाल सुनिए, फिर आपको डॉक्टर जाकिर नायक का जवाब भी हिंदी और उर्दू में तर्जुमे के साथ सुनाते हैं। On the question of dawah, many people ask me, how is it just for a very good, righteous non-Muslim to go to hell? For example, Mother Teresa. What happens to their good deeds and what is the best way to answer them? Thank you. नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नायक ने सवाल के जवाब में उस लड़की की बहुत तारीफ की और कहा कि उसने बहुत ही शानदार सवाल किया। जवाब देते हुए बोले, जन्नत में जाने के लिए चार चीजों पर अमल जरूरी है। ये सूरह अल-असर का तर्जुमा है। जमाने की कसम, बेशक इंसान घाटे में है मगर जो लोग ईमान लाए और नेक काम किए और हक पर कायम रहने की और सब्र करने की आपस में वसीयत करते रहे, इस सूरह के मुताबिक वही लोग जन्नत में जाएंगे जो अहले ईमान हैं, नेकियां करते हैं, जो नेकी की दावत देते हैं और एक दूसरे को सब्र की तलकीन करते हैं। डॉक्टर जाकिर नायक ने अपने स्कूल का वाक्य सुनाते हुए कहा कि जब मैं स्कूल में था तो कम से कम 6 किताबें ऐसी थी जो लाजमी थी, ये अंग्रेजी, रियाजी, साइंस, तारीख, जोग्राफिया और हिंदी थी, इनमें पास होना जरूरी था। बहन, मैं आपसे सवाल करता हूँ कि इन 6 मजमूनों में से 5 में मेरे 100 में से 90 नंबर आते हैं, 1 में 10 आते हैं तो क्या मैं पास हो जाऊंगा? उस खातून ने जवाब दिया, नहीं, आप तो फेल हो जाएंगे। डॉक्टर जाकिर नायक ने कहा कि ऐसे ही जन्नत में जाने के लिए 4 लाजमी सब्जेक्ट हैं और इन चारों में पास होना जरूरी है, 1 में भी फेल हो गए तो पास नहीं हो पाएंगे। डॉक्टर साहब का कहना था कि बहुत से लोग मुझसे सवाल करते हैं कि अगर ऐसे गैर मुस्लिम जहन्नुम में जाएंगे तो जो मुसलमानों में अच्छे काम करते हैं तो क्या अल्लाह बेइंसाफ ना हुआ? तो मैं उनसे कहता हूँ कि अल्लाह ताला जरा भी नाइंसाफी नहीं करता। हमें ये समझने की जरूरत है कि नेक अमाल क्या है और नेक अफराद कौन है। तो मैं इसको एक और मिसाल से समझाता हूँ। अगर $199 मेरे पास है और मैंने उनको कुछ लोगों में तकसीम करना है, मैं किसी को कम नोट देता हूँ और किसी को ज्यादा, तो जिसको डॉलर के बारे में नहीं पता होगा, जिसके पास ज्यादा नोट है वो फायदे में रह गया, तो जिसको डॉलर के बारे में नहीं पता वो कहेगा कि जिसके पास ज्यादा नोट है वो फायदे में रह गया, मगर जिसको पता है कि वो पहले नोट देखेगा कि नोट $1 का है, $20 का या $100 का। तो अगर मैं एक शख्स को $1 के 20 नोट देता हूँ और एक को $100 का एक ही नोट दूंगा तो इस शख्स के पास ज्यादा रकम हो जाएगी क्योंकि उसके पास $100 है। ऐसे ही नेक अमाल गैर मुस्लिम भी करते हैं मगर वो मुसलमानों से ज्यादा फायदे में नहीं होते क्योंकि उनको नेक अमाल की असल वैल्यू पता नहीं होती। असल वैल्यू तभी बनती है जब नेक अमाल करने वाले माने कि अल्लाह एक है और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं। जहाँ तक अल्लाह ताला के इंसाफ का ताल्लुक है तो जो मुसलमान बदकार हैं वो भी जहन्नुम में जाएंगे। अल्लाह ताला चाहता है तो कुछ भी माफ कर देगा और किसी को भी जन्नत में भेज देगा मगर इसके लिए उस शख्स का मुसलमान होना जरूरी है। I ask you the question, sister. In science, in 5 subjects out of 6, I get 99 out of 100.
In one subject, I get 10 out of 100 in science. Will I pass standard 10? Yes or no? No. But I got 99 in English, 99 in Hindi, 99% in history. If I fail in any one subject, I fail. Similarly, to go to Jannah, four criteria are required: Iman, righteous deed, exhorting people to truth dawah, and exhorting people to patient perseverance. Dr. Zakir Naik ne us khatoon se kaha ki aapke mutabik Mother Teresa bahut nek thi, magar main nahi janta, kyunki nek wo hai jo namaz padhta hai, roza rakhta hai, zakat deta hai, wagaira wagaira. Lekin agar main aapki baat maan bhi lu ki Mother Teresa nek thi, to bhi unke ek mazmoon mein 90 number aa gaye. Magar iman ka kya? Agar wo shirk karti hain to jannat mein kaise jayengi? बाइबल में भी यही लिखा है कि बुक ऑफ डिटोनमी में कहा गया कि मेरे अलावा तुम्हारे दूसरे माबूद न होंगे तो अपने लिए कोई बुत या मिसाल न बनाना जो ऊपर आसमान में या नीचे जमीन पर या जमीन के नीचे पानी में हो. तुम उनके आगे न झुकना और न उनकी खिदमत करना. शिर्क करना तो ईसाईत में भी हराम है और कुरान में भी. सूरह मायदा में अल्लाह ताला फरमाता है, अलबत्ता तहकीक वो लोग काफिर हुए जिन्होंने कहा कि बेशक अल्लाह वही मरियम का बेटा मसीह ही है. और मसीह ने कहा कि ऐ बनी इसराइल, इस अल्लाह की बंदगी करो जो मेरा और तुम्हारा रब है. बेशक जिसने अल्लाह का शरीक ठहराया सो अल्लाह ने उस पर जन्नत हराम की और उसका ठिकाना दोजख है और जालिमों का कोई मददगार नहीं होगा. डॉक्टर जाकिर नायक ने कहा कि जिंदगी आखिरत के लिए एक इम्तहान है. इसमें जो सवालिया पर्चे हैं, इसमें अकीदा तौहीद के 50 नंबर हैं, आखिरी नबी पर ईमान के 40 नंबर हैं, खैरात के 5, अच्छे काम करने के 5 नंबर हैं. लोग सोचते हैं कि गैर मुस्लिम बहुत ईमानदार हैं, खैरात भी करता है, अच्छे काम भी करता है. ठीक है, इसने 10 नंबर लिए, मगर बाकी 90 नंबर का क्या? 10 नंबर लेकर कोई इम्तहान तो पास नहीं करता. जो लाजमी सवाल थे उनको हल नहीं किया तो कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि इनाम में जन्नत मिलेगी? अगर एक शख्स मुसलमान है मगर ईमानदार नहीं है, झूठ बोलता है, लोगों पर जुल्म भी करता है, तो भी उसके जन्नत में जाने की उम्मीद ज्यादा है, क्योंकि अल्लाह ताला के एक होने पर ईमान रखता है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता है. जो अहम सवालों के जवाब उसको पता है, हो सकता है अल्लाह ताला उसको तौफीक दे और वो जिंदगी के किसी मोड़ पर तौबा कर ले और अपने गुनाहों पर माफी मांग ले तो अल्लाह ताला उसको माफ कर देगा. अगर तौबा सच्चे दिल से की हो तो अल्लाह ताला जरूर माफ करता है. मगर अल्लाह ताला ये भी कहता है कि शिर्क ऐसा गुनाह है जिसको वो कभी माफ नहीं करेगा. इन्नो में शिर्क बिल्ला एनीवन हु एसोसिएट पार्टनर विद अल्लाह फकद हरम अल्लाह अलैहि जन्ना अल्लाह विल मेक जन्नत हराम फॉर हिम पैराडाइस विल बी फॉरबिडन फॉर हिम वमा वहन नार वमा लिल ज़ालिमीन मिन अंसार एंड फायर शल बी ड्वेलिंग प्लेस एंड ही शल हैव नो हेल्पर इन द हियरआफ्टर. डॉक्टर जाकिर नायक ने उस खातून से कहा कि शिर्क ऐसा गुनाह है जिसको हर मजहब में मना फरमाया गया. जो भी खुदा के साथ किसी को शरीक ठहराएगा वो जन्नत में नहीं जाएगा. ये लाजमी है कि अकीदा तौहीद पर ईमान रखा जाए. जो बच्चे गैर मुस्लिम खानदान में पैदा होते हैं उनका इसमें कसूर नहीं, मगर जब वो बड़े हो जाएं और फिर भी सच्चाई यानी इस्लाम कबूल न करें तो फिर उनका कसूर है. ये हर इंसान का फर्ज है कि वो सच्चाई तलाश करे, सच्चे मजहब की तलाश में अपना वक्त गुजारे. दुनिया भर में अच्छे काम करना जरूरी है मगर आखिरत को संवारना भी लाजिम है. जीसस ने भी कहा कि कोई भी शिर्क करे जहन्नुम में ही जाएगा. अल्लाह ताला की नज़र में किसी के बेहतर इंसान होने का दारोमदार उसकी जात, नस्ल, रंग या दौलत पर नहीं बल्कि तकवा पर है. और तकवा में जो चीज आती है इसमें इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान यानी तौहीद, नमाज, रोजा, जकात और हज है. कोई चाहे कितना भी ईमानदार हो, अच्छा काम करता हो मगर गैर मुस्लिम है तो इस्लाम के 5 बुनियादी सतूनों के साथ नहीं खड़ा, कैसे वो जन्नत में जा सकता है? तो चाहे कोई मदर टेरेसा हो या नेल्सन मैंडेला, अगर शिर्क करेंगे तो जन्नत में नहीं जाएंगे. नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिए. अपना ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज़.